मरो मरो का नारा दिया गया गांधी द्वारा, लोग जेलों में बंद किए गए बार बार, क्या क्या नहीं किया गया। पंडित नेहरू जैसी महान हस्ती जिसके बारे में आज सोशल मीडिया क्या कहने लगता है, जैसी सोच वो सोशल मीडिया में आ रही। दुख होता है कि एक महान विभूति महापुरुष 10 साल से अधिक जेल रहा हो, 3,250 दिवस तक जेल में बिताए हों। वो जेल में होते थे, उनकी धर्मपत्नी कमलाजी सड़कों पर आंदोलन करती थी। वो जेल में होते थे तो इंदिरा गांधी जो बच्ची थी उनको पत्र लिखा करते थे, भारत एक खोज किताब पुस्तिका बन गई, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी दुनिया पढ़ती है। तो लगता है एक ऐसा नौजवान जो मोतीलाल नेहरू जैसे अमीर व्यक्ति का बेटा था, सब कुछ छोड़ दिया, जेल में जाकर ऐसी किताब लिख रहा है, देश की यात्राएं कर रहा है। उस सोच का परिणाम था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा थे, उनको साथ लिया आज़ादी के बाद। अम्बेडकर साहब एक्सपर्ट थे, विचार नहीं मिलते थे कांग्रेस से उनको, मालूम है आपको, गांधी और अम्बेडकर के विचार भी नहीं मिलते थे कई मायने के अंदर। तो उस वक्त का जो आपने कभी कहा क्या माहौल था, क्या बड़े दिल रखा करते थे, विचार नहीं मिलते थे तब भी मिलके चलते थे, देश हित में क्या हो, वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी अनुभव काम आ सकते हैं, उनको साथ लो, उद्योग मंत्री बनाओ। डॉक्टर अम्बेडकर का एक्सपर्टाइज है लीगल के अंदर, उनको साथ लो, ड्राफ्ट कमेटी चेयरमैन बनाओ। कोई कांग्रेस में नहीं थे, 2 बार चुनाव हार गए थे लोकसभा के। कल किसी ने कहा उनको टिकट नहीं दिया पार्टी ने, कैसे देते, ना टिकट मांगा ना वो कांग्रेस में थे। 2 बार लोकसभा चुनाव हार गए, 2 बार पंडित नेहरू उनको राज्यसभा में लेके आए, लॉ मिनिस्टर बनाया, ये हम भूल जाते हैं। ड्राफ्ट कमेटी चेयरमैन किसने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, पंडित नेहरू ने बनाया, गांधी जी ने बनाया, पूरा इतिहास भरा पड़ा है इस देश का, महान इतिहास है वो, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। और जब संविधान सभा बनी, जब सब आप लोगों ने बहुत विस्तार से बताया किस प्रकार से कितने पेज की बनी है, हस्तलिपि लिखी हुई है हिंदी व इंग्लिश के आंदोलनों में, लाइब्रेरी के अंदर हीलियम गैस के अंदर चैम्बर में उसको संजोए हुए हैं, और माइश्री राजसमंद आने वाली विधायिका नीचे देख रही है, मेरी बात नहीं सुन रही है, कदरबा बोल रही थी तो आपने अच्छा चित्रण किया उसको, मैं तारीफ कर रहा हूँ, आप घबराओ मत, कि आपने बताया कि किस किस रूप में राम कृष्ण गुरु नानक देव अकबर किस प्रकार चित्रण किया गया हर पेज के ऊपर अध्याय के साथ में, इस रूप में कितने प्रयास किए गए होंगे, 2-2.5 साल लगे होंगे, शानदार संविधान हमारे सामने है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान 7 महाराज हुए थे, ये मैं नहीं बोलना चाहिए, और हमें घर होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष महोदय, क्या 70 साल के बावजूद भी इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, 1 सेकंड नहीं लगाया मुरारी भाई देसाई की सत्ता सौंप गई। ये है मूल भावना संविधान। कितने बदले प्राइम मिनिस्टर, 1 वोट से हार गए वाजपेयी जी, चेहरे में शिकर नहीं, दोबारा मैदान में उतर गए, चुनाव जीत के आ गए, सरकार बन गया। 70 साल का सफर किसे कहते हैं, पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्री को जेल, फांसी के फंदे में चढ़ा दिया भुट्टो साहब को, जेल में बंद किया, फांसी के फंदे चढ़ गए, कहाँ हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान। फिर भी पाकिस्तान के भय दिखा करके राष्ट्रवाद, ओहो पाकिस्तान है क्या चीज़, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान चीज़ क्या है, वहाँ का प्रधानमंत्री खुद कहता है हम हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते इस युद्ध के माध्यम से, आप कहाँ वो। पर
जिस रूप में माहौल बनाया गया देश के अंदर, ये संविधान की भावना के अनुकूल है। जिस रूप में, बजाय इसके कि हम आज भी जो मूलभूत भावना है संविधान की है उसको लेके जो कमी रही 70 साल के अंदर, उसको दूर करने का प्रयास करें। गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है, छुआछूत आज भी है जो मानवता पर कलंक है, आप तो समझ सकते हो कलंक है मानवता पर, आज भी हम सब पे कलंक है, देशवासियों पे भी। आज हम कोई चर्चा नहीं करते उसकी। आज़ादी के पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे फ्रीडम फाइटर चाहे जयनारायण व्यास हो, मांगलाल वर्मा हो, बाल बंधु हो, रामनाथ चौधरी हो, किसकी से नाम ले रहे हैं, उस वक्त मैं संघर्ष करते थे, सड़कों में आकर के मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास करते थे। वो जमाना था जब छुआछूत का क्या रूप था समझ सकते हैं। उस वक्त में मंदिरों में प्रवेश करना हरिजनों को, ये आगे बढ़ते थे पीछे कार्यकर्ता जाते थे। वो कांग्रेस के नेतृत्व था उस जमाने का। इस रूप में देश आगे बढ़ा है, आज़ाद हुआ है। आज़ादी हुई ऐसे नहीं मिली है। चंद्रशेखर, भगत सिंह, सावरकर आप नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस, आपने हमेशा ये कोशिश करी। कांग्रेस के लोग तो इनके खिलाफ थे, पूरे देश की नौजवान पीढ़ी को आप गुमराह करते हो। कांग्रेस के लोग तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, गांधी जी उनके खिलाफ थे। भगत सिंह ने मिलने के लिए गए नहीं, पंडित नेहरू जी आपके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, और जब रिकॉर्ड आता है कब गए किस तारीख गए तो चुप हो जाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लंदन में डेथ हुई और पंडित नेहरू ने उनकी लाश लाने नहीं दी सब हिंदुस्तान के अंदर, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ जम्मू में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। बताइए आप क्या हो रहा है देश के अंदर, किस दिशा में हम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के कई बार ऐसी बातें बोल चुके हैं, वो मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं उनको वक्त जाहिर नहीं करूँगा। आपका आप सब जानते हैं, दिल के अंदर आपको भी मालूम सब बातें क्या हो रही है, पर मजबूरी आपकी भी है। पर आज सब जानता है, हिंदुस्तान जानता है प्रधानमंत्री जी ने कहाँ कहाँ गलत वाक्य बोले हैं, चल रहा है। अमेरिका में बिल्कुल ठीक है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ जाएंगे, हिंदुस्तान में इतिहास के देश, दुनिया के इतिहास में हमारा घर होना चाहिए, प्रधानमंत्री जाके बोल रहे हैं। मान सम्मान बढ़ रहा है देश का, प्रधानमंत्री का मान सम्मान बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, 70 साल की तपस्या है कांग्रेस की सरकारों की, तब बढ़ रहा है। जहाँ सोनी मंत्री थी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सोनी मंत्री थी देश के अंदर, बाढ़ जाती थी, क्या था 33 करोड़ देवी देवता थे देश के अंदर, आज 130 करोड़ देवी देवता हैं। आप बात करते हो PL-480 भीख मांगते थे अमेरिका से, वो दिन भी आपको भी याद है, मुझे भी याद है, हालांकि हम लोग आज़ादी के बाद पैदा हो गए। बिजली क्या होती है लोग नहीं समझते थे आज़ादी के वक्त में, गांव में ढाणे तक नहीं समझते थे। सावन भादों की बिजली कड़कती थी, ये बिजली कड़क रही उसको मानते थे। क्या ऐसी बन गई, क्या 4 महीने में 4 साल में बिजली आ गई देश भर के अंदर, गांव में पहुंच गई, सड़कें पहुंच गई गाँव के अंदर, बिजली पहुंच गई, पानी पहुंच गया, स्कूलें खुल गई, अस्पताल खुल गए, सब 6 साल में खुल गए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसरो में गए और 4 महीने बाद में मंगल ग्रह पर उपग्रह छोड़े गए। वाह वाह क्या ठान है मोदी जी का, क्या ठान, क्या ठान। लंबा इतिहास है, अगर आप दिन भर चर्चा कराएंगे तो आप सबकी बोलती बंद हो जाएगी। ये इतिहास है कांग्रेस का। आप लोगों ने उंगली नहीं कटाई अपनी और लंबी जोड़ी बातें कर रहे हो, आप लोग खुद तो स्वीकार करो कि भाई उस वक्त में हम समझ नहीं पाए थे, आर्य से समझ नहीं पाए थी, इसलिए हमने 7 दिन दिया आंदोलन का। कहने में क्या हर्ज पड़ता है, सबको मालूम है कि आर्य से 7 नहीं दिया, सबको मालूम है, वो खुद जानते इस बात को,
तभी कल किसी ने कहा कि जब संविधान बन गया तब भी उसकी टिप्पणी की गई उसके ऊपर, मनुस्मृति की बात की गई। तब मुझे बताइए जब मालूम है कि भाई आरएसएस ने साथ नहीं दिया, बीजेपी थी नहीं उस वक्त, जनसंघ बाद में बना, फिर उसके बाद में स्वीकार करने में हर्ज क्या है? महात्मा गांधी को भी माना नहीं, अम्बेडकर को भी माना नहीं, आरक्षण को भी स्वीकार नहीं किया, मुझे मालूम बचपन के अंदर। देखो ईमानदारी की बात सोचो, आपका दिल क्या रहा होगा, वो झूठ नहीं बोल सकता, आप झूठ बोल सकते हो। मैं जानता हूँ कि क्या था बचपन के अंदर, क्या जनसंघ था, पैदा ही हुआ था, शेखावत साहब मौजूद नहीं, आज भैर सिंह शेखावत शुरुआत करी, 2, 4, 6, 8 तक आते थे विधानसभा के अंदर मेंबर, पर हाँ यहाँ तक पहुँचे। 2 मेंबर आए थे आपके पार्लियामेंट के अंदर, मैं था पार्लियामेंट के अंदर, 2 साल आप सत्ता में आ गए हो दूसरी बार, कितने बड़ी गर्व की बात है ये, इस संविधान की उपलब्धि है कि आप यहाँ तक पहुँचे हो। और संविधान बनाया कांग्रेस नेताओं ने संविधान बनाया था, आपने संविधान नहीं बनाया। संविधान बनाने में आपकी कोई भूमिका नहीं है, स्वीकार करो इस बात को, स्वीकार करो। किस स्वीकार करो, क्यों नहीं स्वीकार करते हो? आपका कोई योगदान नहीं, आपका कोई संबंध नहीं संविधान से। हाँ संविधान बनने के बाद में सत्ता में आपको आना है, लोकतंत्र कायम है तो आपको उस रूप में चलना है, इसलिए आप संविधान को स्वीकार कर रहे हो। और जिस रूप में देश चल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। कब तो राज्यपाल महोदय ने रात को भेजा संदेश मोदी जी को, राष्ट्रीय शासन समाप्त करो, कब भेजा पता नहीं किसी को। कब मोदी जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई किसी को पता नहीं। कब उन्हें रिकमेंड किया राष्ट्रपति महोदय को, बहुत भले आदमी राष्ट्रपति महोदय, बहुत सज्जन व्यक्तित्व धनी है, पता नहीं वो सोए हुए होंगे, कब उठाया होगा, नींद में थे नहीं थे पता नहीं। सुबह 5:47 पर आदेश निकलता गृह मंत्रालय से, राष्ट्रपति शासन समाप्त। 8 बजे शपथ हो जाती है मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, चार ठाट है। बाद में 8 बजे शपथ और 8:15 ट्वीट प्रधानमंत्री जी का, फर्नांडिस जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और फर्नांडिस जी के वापस, मोदी है तो मुमकिन है, वाह वाह क्या ठाट है। बताइए आप, पहले पहले सुनते थे राजा महाराजाओं के महलों के अंदर षड्यंत्र होते थे और सुबह तख्ते बढ़ जाते थे, कमाल कर दिया आप लोगों ने, कमाल कर दिया, मानना पड़ेगा आपको। हमें इतना साहस नहीं, हम लोगों में साहस, दुस्साहस है तो आप में है, साहस है तो आप में है, तो मोदी दिखा रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मैं चिंताग्रस्त हो गया हूँ कि मोदी तो मुमकिन है, पता नहीं लोकतंत्र कब तक चलेगा, क्यों मोदी तो मुमकिन है, मोदी तो मुमकिन कुछ सब कुछ है। जो चिंताएं थी देश भर के अंदर, अडवाणी साहब बोले थे पहले, सरकार मंत्री बोले थे कि इमरजेंसी का माहौल लगने लग गया है, आरएसएस का डंडा पड़ा तो हमारे बुरे नेता ने कहा नहीं मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब ये था। तो आप देख रहे हो जो माहौल भय का, हिंसा का, मॉब लिंचिंग का जो चल रहा है देश के अंदर, ये आते पहले कभी नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये एंटी सोशल एलिमेंट है, मुझे बहुत खुशी हुई थी। अगर प्रधानमंत्री जी उस बात पे कायम रहते तो मैं समझता हूँ मॉब लिंचिंग, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुस्लिम कोई व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, मॉब लिंचिंग किसे कहते हैं, सड़क पर आप किसी को मार दो, कानून बनाना पड़े संविधान से मांग कर। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कानून बना, कृपा करके मैं आपकी मदद चाहूँगा, आप कृपा करके उस कानून को, वहाँ अटका पड़ा है दिल्ली के अंदर, राष्ट्रपति महोदय के साइन नहीं हुए अभी तक, आप कृपा करके मॉब लिंचिंग को भी, ऑनर किलिंग को भी, बच्चे बच्ची इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, मार देते हैं माँ बाप। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को और आपको विशेष रूप से कोशिश करनी चाहिए, गृह मंत्रालय में समझा करके वो साइन करवा के लाए। मोदी तो मुमकिन है, बस हम तो ये मानते हैं, उसे मैं चिंतित हूँ। मोदी तो मुमकिन है, आप खुश हो, मैं चिंतित हूँ। ये मुमकिन पता नहीं किन किन बातों को लेके होगा,
कई लोकतंत्र चार सुप्रीम कोर्ट जज को कहना पड़ा कि लोकतंत्र खतरे में है। ये दर्जा बड़ा जिसको संविधान की चूल्हे हिला दी उसने, चार जजेज ने, इतना बड़ा संविधान हमारा, और वो जो सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीश माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय बार बार मेरे नाम मेरे मुँह से मुख्यमंत्री निकल रहा है आपके लिए, पता नहीं कल क्या हो रहा है, पता नहीं पड़ता। तो माननीय अध्यक्ष महोदय चार सुप्रीम कोर्ट जज बोल रहे हैं देश के अंदर, और उसको हम लोग पूरा देश संघ रह गया, दुनिया में क्या मैसेज गया, और कह रहे हैं लोकतंत्र को खतरा है देश के अंदर। और कल्पना करें कटारिया साहब कि वो सीजीआई बन गए, उसमें सीजीआई बन गए। तो मिस्टर गोगोई को पूछे कि आप जब पहले चार में बैठे थे वो सही था आपका आरोप, या आप बनने के बाद में आपने वही काम किए जो पहले चल रहे थे, तो वो सही है कौन सा सही बताओ, अब तो है नहीं सीजीआई। देश को बताना चाहिए, देश जानना चाहता उनसे कि आप जब चार जज बैठ गए इतना बड़ा आरोप लगा दिया आपने, वो बाद में क्या हो गया आपको, आप बाद में अचानक ही बदल गए, और जो पहले प्रक्रिया थी सुप्रीम कोर्ट वो प्रक्रिया चलती रही आपके जमाने के अंदर, ये रहस्य बना हुआ है। रहस्य खुलना चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए, मेरा मानना है, ये मामूली बात है। आप को मैंने गलती कर दी, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, ये जो हालात देश में हो, इसमें जुडिशरी की तरह दबाव के अंदर है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, क्या छापे डलवा रही है, वाह वाह, एक के बाद एक असहमति, कोई इंटेलेक्चुअल कोई सरकार विरोध कर दे, इंडिविजुअल कर दे, कोई व्यक्तिगत कर दे, राष्ट्रद्रोही है। मुकदमा दर्ज हो गया 80 लोगों पर राष्ट्रद्रोह, कमाल है। ये संविधान में लिखा हुआ ही बात है, लिखा हुआ संविधान में, कितना पवित्र संविधान है ये, क्या क्या नहीं लिखा गया था, एक एक शब्द पढ़ेंगे हमें गर्व होगा। संविधान जो बनाया जिन लोगों ने मिलकर के, संविधान के एक एक शब्द पर हमें गर्व है, और गर्व होना चाहिए हम सबको, और संकल्प मन में रहना चाहिए। हम आए हैं 7 करोड़ जनता में से, आप 200 लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर, कुछ तो जनता ने हम पर विश्वास किया है। 7 करोड़ 7.5 करोड़ में से आप 200 लोग बैठे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी कितने 1000 गुना बढ़ जाती है हम सोच सकते हैं। कुछ आत्मा से कुछ परमात्मा को सामने रख करके हमें कुछ सोचना चाहिए कि कैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ गलती हो रही है वहाँ मतलब अपनी बात बोले। मुझे किसी ने कहा टाइम क्या आ गया, राजा बोले वो रात है, रानी बोली, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। ये रात है, ये रात है, रात है, सुबह है तभी रात है, हाँ रात है। हिम्मत नहीं बोलने किसी की, हिम्मत नहीं है। वो आपके पूर्व मुख्यमंत्री महोदय बोलने लगी, उनको घर बैठा दिया आप लोगों ने, वो आ ही नहीं रहा उसके बताइए आप। और कटारिया साहब, आप और कैलाश मेघवाल साहब, आप 75+ हो गए हो, ध्यान रखो मोदी जी को फॉर्म याद कर लो आप, पता नहीं आप कब गवर्नर बना के भेज दे यहाँ से, पता नहीं पड़ेगा हमें, 2 बाई इलेक्शन हो सकते राजस्थान के अंदर, पता नहीं पड़ेगा हमें। अब आप नहीं हो, पता नहीं कब तक आप रहोगे, और आप यहाँ से छोड़ हो चुकी है पहले भी, जब आप यात्री तो निकाले थे, खाली यात्रा निकाले थे, वसुंधरा जी ने कहा मिस्टर कटारिया या तो यात्रा बंद करो या मैं फिर भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा देती हूँ, क्या ठाट है आपकी पार्टी के अंदर। वाह, अरे अच्छे दिन आएंगे मोदी जी के, आप सीनियर आदमी, संस्थाएं बर्बाद हो रही है, देखो चिंता करो पूरे मुल्क के लोगों, अरे संस्थाएं बर्बाद हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दबाव में, जुडिशरी दबाव में, DRDO, CNAG, ISRO, AIIMS, ICCR, ICAR, SCS, RI, UGC, IIT, IIM,
ये किसने बनाई? ये पंडित नेहरू के दूरदृष्टि थी, मुल्क आजाद हुआ और उन्होंने सब संस्था एम्स का निर्माण कर दिया। और बताइए, उन संस्थाओं को कमजोर करना अच्छी बात होती है क्या? दवा में काम करी जुड़ी से अच्छी बात होती है क्या? आज देश खड़ा है, संविधान की रक्षा कर रहा है, तो संस्था कर रही है जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस रूप में एक के बाद एक 73-74 अमेंडमेंट हुए, राजीव गांधी का सपना था। अभी आप मेरे घर से कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, आप कह रहे थे आधार कार्ड कितना शानदार कार्ड है, सब पहले घुस जाता बैंक के अंदर सीधा ही, अच्छी बात है। आप कह रहे थे प्लेन और ट्रेन में कितना तकलीफ होती थी उस वक्त में, अब घर बैठे टिकट आप ले लो, क्रांति हो गई। मोबाइल फ़ोन दुनिया मुट्ठी में है, गूगल्स में पूरी जानकारी है, गुलाब में कटारा लिखो गूगल में पूरी हिस्ट्री आपकी आ जाएगी उसके अंदर। बताइए आप कहाँ पहुँच गए? बोल ऐसी पहुँच गई है, ऐसी पहुँच गई। अरे जब राजीव गांधी ने कहा 21st सेंचुरी में जाना है, IT टेक्नोलॉजी बनाई लेके आए, तो आपके माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके आए थे पार्लियामेंट के अंदर, विपक्ष के अंदर, कि राजीव गांधी दिमाग खराब हुआ है, ये कंप्यूटर लाएगा सब बेरोजगार हो जाएंगे। उस IT का कमाल है, इंटरनेट का कमाल है, ये तारीफ आप अभी कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ। आधार कार्ड कौन लेके आया? आप लेके आए आधार कार्ड? कौन लेके आया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए थे, या दूदू के अंदर उसका लॉन्चिंग हुआ था। आप बताइए आधार कार्ड विरोध किया गया? FDI आ रही है, विरोध कर रही है BJP, आना नहीं चाहिए, देश बर्बाद हो जाएगा। अब आप FDI ला रहे हो, आप FDI ला रहे हो, क्या मतलब हो भाई? आपने विरोध किया आज ला रहे हो, आधार का विरोध आपने किया, अब आपने स्वीकार भी किया, उसका उपयोग करो, अच्छी बात है, मैं तारीफ करता हूँ। अगर किसी गैस कनेक्शन मिला है या आपने कहा बैंकों में पैसा गया है, 1 रुपया बेचते थे राजीव गांधी, 15 रुपये पहुँचते थे, उन्होंने खुद ने कहा ये बात, तो इसीलिए सब कुछ लाए वो। उनका जो कपना सपना था दुनिया में देख के आए थे, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, हम कहाँ पर है, उस वक्त लोग समझ नहीं पाए थे, और विशेष आप लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या कह रहा। 15 साल बाद तो जाएगा मुल्क 21st सेंचुरी में, नई बात क्या कह रहा। उनका मतलब ये था दुनिया में, दुनिया कहाँ विकसित हो चुकी है, कम से कम नई सत्ता में हम जाएँ तो हम कम से कम ऐसी स्थिति में जाएँ जिससे कि दुनिया के मुल्कों के अंदर नई विकसित राष्ट्रों के मुकाबले हम भी आगे कभी खड़े हो सकें, इसलिए वो ये बात कही थी। और आप लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई थी, आप मजाक उड़ाने में माहिर हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तर्क नहीं होते हैं तो यही स्थिति बनती है। सोशल मीडिया को आपने कैप्चर कर लिया, बॉन्ड लेके आ गए आप लोग, बॉन्ड सबसे बड़ा स्कैंडल होगा देश का, मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ। आज अरुण जेटली नहीं रहे दुनिया के अंदर, मैं उनके बारे में क्या बात करूं, पर बॉन्ड जो है इतना बड़ा स्कैंडल है कि आप बताओ 90% पैसा आपको मिल रहा है बॉन्ड से, किसे सौदा कर रहे हैं कौन किसी पता ही नहीं है, करप्शन करने के लिए कौन सा काम कर रहे हो, किसे बदले में कौन बॉन्ड ले रहा है किसी पता ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कोई गुप्त है वो तो। और आप लोग लिए जा रहे हो 5,000 करोड़ में से 90% पैसा BJP को मिला है, कोई बोल नहीं रहा है देश के अंदर। लोगों सड़कों पे आना चाहिए, ये बॉन्ड बर्बाद करेगा देश को। सब बड़े पार्टी को फंडिंग बंद, सिर्फ BJP का फंड है देश के अंदर। ये लोकतंत्र है, ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप है, ये काम क्या होगा देश का, मुझे चिंता लगी हुई है क्या होगा। एक पार्टी राज जाते हो आप लोग, 50 आदमी शासन करेंगे, आप गृहमंत्री बोलते हैं, देखो वो हमारे गर्ग साहब हाथ हिला रहे हैं गर्दन, अरे उस वक्त हम लोग नहीं रहेंगे, पर इतिहास आने वाली पीढ़ी में माफ नहीं करेगी अगर चुप रहे तो। आप 50 साल तक राज करो, राज डेमोक्रेसी है, कौन मना कर रहा है, तो वोट के माध्यम से करो, लोकतंत्र हत्या करके मत करो, तानाशाही के शासन लाके मत करो। क्या हो रहा बॉन्ड फंडिंग बंद, कांग्रेस मुद्दे भारत बनाएंगे, अरे कांग्रेस की तो जो नीति कार्यक्रम सिद्धांत ऐसे शानदार है
जो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, भावना हुई थी, आप उसका मुकाबला कभी कर नहीं सकते, जुमलेबाजी कर सकते हो, अच्छे दिन आएंगे कर सकते हो, ब्लैकमेल लेके आएंगे दुनिया के मुल्क 100 दिन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट को बना दिया आपने SIJ चेयरमैन, पता नहीं उसका क्या हुआ, कितनी बड़ी मजाक है, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, अन्ना हजारे, केजरीवाल, सबको बैठा दिया, सब कुछ कर लिया, जीत भी आ गए, बहुत अच्छी बात है। बाद में क्या हुआ, कोलगेट का क्या हुआ, वो 2G स्पेक्ट्रम वाले सब छूट गए, कोई बात नहीं। पर आप ही जो करप्शन इंडिविजुअल आरोप लगते थे लोगों पर, अब तो बॉन्ड लाकर सरकार खुद आरोपित हो गई है, एनडीए गवर्नमेंट खुद आरोपित है, इतना बड़ा करप्शन चल रहा देश के अंदर संस्थागत, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है, और एक पार्टी पर पैसा आ रहा है, बाकी पार्टियाँ इलेक्शन नहीं लड़वा पा रही है, स्थिति लोकतंत्र है, कहाँ ले जाओगे देश को, एक पार्टी राज चाहते हो आप लोग चाइना की तरह, कि सामने वाली पार्टी हमारी हो, उनको वोट हम भी करें, फर्क करें हम उनको, दिखावट रहे लोकतंत्र देश के अंदर, 2 पार्टी है, अब वो चाहते हो, कांग्रेस की नीति महात्मा गांधी की दी हुई है, सिद्धांत हो चाहे नीति हो चाहे कार्यक्रम हो, कांग्रेस अगले 100 साल तक खत्म नहीं हो सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होगी, कांग्रेस है महात्मा गांधी की पार्टी, का नाम आपने प्रधानमंत्री लेना शुरू किया महात्मा गांधी नगर 25 साल पहले अध्यक्ष महोदय, उस वक्त में पहली बार महात्मा गांधी फोटो लगी उनके स्टेज पे 20-25 साल पहले, पहले कभी नहीं लगती थी फोटो, तिरंगा कभी नहीं फहराते थे आप कार्यशील के हेडक्वार्टर पर, जैसे आप सबको मालूम है, नई बात क्या मैं कह रहा हूँ, तिरंगे बांधते नहीं थे, मुरारी भाई जैसे ही बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो ये प्रयास हुआ उस वक्त में ये तिरंगे झंडे को खत्म कर दो, नया झंडा बनना चाहिए देश का, मैं गया मिलने के लिए मुरारी भाई देसाई से बचपन के अंदर, मैं कहा आप ये क्या कर रहे हो, कह नहीं चिंता मत करो, वो खुद ही कांग्रेस थे पहले, बंद हो गए प्राइम मिनिस्टर आपके, जनसंघ सब पार्टी मिलकर के जनता पार्टी बन गई, फिर आप अलग हो गए। अब मुझे बताओ, एक पार्टी राज संविधान में लिखा हुआ है, संविधान की क्या क्या सब लिखे हुए, हम शपथ लेते हैं MLA MP की मंत्री की, क्या लिखते क्या बोलते हैं हम लोग, क्या हमें उसमें नहीं चलना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि होली मोदी कोई बात नहीं, पर आप बताओ कि जो आपने संविधान में लिखा है गुट निरपेक्ष रहेंगे, हमारी विदेश नीति जब वाजपेयी जी बन गए थे प्राइम मिनिस्टर विदेश मंत्री बन गए थे मुरारी भाई के साथ में, बनते ही कहा कि मेरी विदेश नीति वही रहेगी देश की जो कि पहले चली आ रही पंडित नेहरू की, आपने क्या किया, प्रधानमंत्री जी हाथ पकड़ के घुमा दिया बेचारे उस ट्रंप को घुमा दिया जा रहा हूँ, अगली सरकार ट्रंप सरकार, अरे कमाल है, कल सरकार दूसरी पार्टी आई क्या करोगे, ये हमारी देश की नीति कब रही है ये बोलने की, प्रधानमंत्री बोल के आ गए और ट्रंप साहब ने कह दिया ये हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता है, तो मोदी जी गांधी जी को मानते हैं खुद को मानते हैं, पहले तय करें, महात्मा गांधी के नाम लेने लगे आप लोग, सरदार पटेल के नाम लेने लगे, अरे मैं कहना नहीं चाहता था उसके अंदर सरदार पटेल के बारे में क्या क्या कहा गया है, मेरे पास लिखित में किताब छपी हुई है, तो आपने बताइए, कोई बात नहीं आपने मान लग गए, मैं नहीं कहता आप मत मानो, मानो गांधी ऊपर अविश्व मान रहा है, सोनिया गांधी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यूएन में प्रस्ताव पास करवा दिया 2 अक्टूबर को पूरा विश्व मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, मुझे गर्व है आप सबको गर्व होना चाहिए, तो मुझे इस बात की शिकायत है गांधी को मानो दिल से दिमाग से मानो, खाली आप दिमाग से मत मानो, और वो प्रज्ञा ठाकुर क्या बोल रही बताओ उसके अंदर, गौडसे को क्या बता रही है, मोदी जी खुद ने कहा देश के अंदर देशवासियों का चुनाव पहले, मैं मन से इसको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कागनी का बता दीजिए मुझे आप,
चुनाव चलते हुए, क्योंकि चुनाव नुकसान ही हो जाए, इसलिए कहा ये बात, चुनाव में फायदा उठाने के लिए डैमेज कंट्रोल करने